सबसे पहले आके मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु, उसके बाद आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करा मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के दिए गए आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा बनने वाली जो भी वीडियो आपके पास आसानी पूछ सकें। आज मेरे हाथ में ये मोबाइल है, ओप्पो का सेट है, ये 2022 या 21 का मॉडल है, F19, ओप्पो F19। तो आप इसको अगर इसका FRP लग चुका है, यानी कि इसका अगर गूगल अकाउंट लग चुका है, आपने कैसे इसको हल करना है ये मैं आपको सिर्फ ज़बानी अपनी ज़बान से बताऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकली तो मैंने इस पर काम कर दिया है। अब प्रैक्टिकली तो इसका काम आसानी से है, आसान है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। आसान कैसे है, आपने मोबाइल में पिन लगाकर, जिस तरह हम अपनी सिम को पिन कोड लगा देते हैं, पिन कोड लगाने के बाद आपने सिम को अपने मोबाइल पर इंटर कर देना है, और इंटर करने के साथ आपने ये पावर वाला बटन और सिम को इंसर्ट करते हुए बाहर निकाले, और यहाँ पर इस जगह पर एक सेटिंग आएगी, सेटिंग आएगी, ताले का निशान बना होगा, आपने उस ताले को निशान को नीचे की तरफ खींचना है, ऊपर से आपने सेटिंग पर चला जाना है। जब आप सेटिंग पर चले जाएंगे, यहाँ जब आप सेटिंग पर चले जाएंगे, ये इस तरह का ताले का निशान होगा, इसी तरह मोबाइल ऑन है, इस तरह यहाँ आपने उसको ऐसे खींचना है, ऐसे खींच कर ऐसे इसी तरह से सेटिंग का निशान आ जाएगा। पहले आपने, मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ, आपने मोबाइल में जब FRP लगा हो तो आपने पिन लगा कर अपनी सिम को पिन कोड लगा कर आपने सिम को पिन कोड लगाकर आपने मोबाइल के अंदर इंटर कर देनी है। इंटर करने के बाद आपने अपने मोबाइल को यहाँ से पावर बटन और सिम को ऐसे प्रेस करना है, और इस तरीके की सेटिंग आ जाएगी उसके अंदर, इस तरह की सेटिंग आ जाएगी। सेटिंग के बाद आपने करना क्या है, आपने इसको ऐसे की तरफ, देखें ओप्पो F19 है, आपने इसको नीचे की तरफ खींचना है और इस तरीके की सेटिंग आ जाएगी। जब सेटिंग आ जाएगी तो आपने सेटिंग पर जाना है, यहाँ सेटिंग पर क्लिक कर लेना, आपने यहाँ से एडिशनल सेटिंग में जाना, उस वक्त भी एडिशनल सेटिंग में जाना है, एडिशनल सेटिंग, ये स्क्रीनशॉट भी मैं साथ में मोबाइल में दे रहा हूँ, आप चेक करें, ये इसके स्क्रीनशॉट में आपको सेंड कर दूँगा, आप वहाँ से उसको मार्क लगाकर आप देख सकते हैं। एडिशनल सेटिंग के बाद आपने यहाँ बैकअप फैक्ट्री पे जाना है, उसके बाद आपने ये करना है कि ये अरेज डेटा आपने कर देना है, उसके बाद यहाँ अरेज ऑल डेटा पर आपने क्लिक कर देना, और आपका मोबाइल दोबारा से अरेज हो जाएगा, और उसके बाद अरेज होने के बाद आपका FRP भी ख़त्म हो जाएगा, आपका जो जो आपने पिन या पैटर्न जो भी लगाया होगा वो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मैं इसी पर जाना चाहता हूँ, आपकी दुआओं के साथ, आपकी इस उम्मीद के साथ मैं आपको इस उम्मीद से कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के दिए गए आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा बनने वाली जो भी वीडियो है आपके पास आसानी पहुँच सके। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, आप वीडियो देख भी सकते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो अपडेट आती है मोबाइल की, FRP की, जो भी आती है वो आपके पास आसानी पहुँच सके। तो मैं इसी पे जाना चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के मान।